नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज। फिलहाल हम जींद की भगत सिंह कॉलोनी में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर एक लड़का है राहुल, उसका ताइक्वांडो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें सिलेक्शन हुआ है और पहला नंबर पूरे इंडिया में उसका आया है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से उन्होंने तैयारी की है, उनके घर के हालात के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम उनके घर के सामने पहुंचे हुए हैं, हम आपको घर के हालात दिखाएंगे, उससे बातचीत करेंगे और उसके माता पिता से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से उन्होंने तैयारियां आने वाले जो चैंपियनशिप है वर्ल्ड चैंपियनशिप ताइक्वांडो की उसकी किस तरह से तैयारियाँ की जा रही है उसके द्वारा, इसके बारे में बातचीत करेंगे। आप सबको इस वीडियो में पता चला, हमने बताया कि राहुल का सिलेक्शन वर्ल्ड ताइक्वांडो में हुआ है और किस तरह से इन्होंने तैयारियां की थी और आगे क्या कुछ रणनीति है इनके बारे में पूछे। यहाँ किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ, किस कहाँ पे? ये हमारी चैंपियनशिप महाराष्ट्र में हुई थी, नासिक में 11-14 हुई थी। वहाँ पर मेरी फर्स्ट पोजिशन आई है। तो हमें 5 तारीख को पता चला है कि हमारा वर्ल्ड गेम्स में सिलेक्शन हुआ है। तो हमारा वर्ल्ड गेम्स में सिलेक्शन हुआ था तो पैसे की वजह से हम रह गए और सभी का सिलेक्शन हो चुका है, मतलब एंट्री जा चुकी है, मेरी रहती है। जैसा कि राहुल ने बताया कि हर इंडिया से सिलेक्शन हुआ है, उनकी लगभग एंट्री जा चुकी है, राहुल की अभी एंट्री नहीं हुई क्योंकि पैसे गरीबी आड़े आ रही है और इनके पिताजी भवन निर्माण में मजदूरी का काम करते हैं। इन्होंने इनका उसमें भी भवन निर्माण में भी अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है और दिहाड़ी मजदूरी करके इन्होंने बच्चे को इस लायक बनाया कि इनका आज वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन गरीबी के कारण अब एंट्री फीस भी देने के पैसे नहीं है और इस वजह से इन्होंने अभी तक एंट्री फीस जमा नहीं करवाई है। तो आपको सरकार से क्या उम्मीद है और आगे यदि पैसों का सेटिंग नहीं हुई तो? सरकार ने अभी तो कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं अभी तक, तो जैसे कि जो होते हैं भवन ने उन्होंने सपोर्ट किया है, हम नरवाना गए से वहाँ से सपोर्ट किया है, मिला है वहाँ से, बस अभी तक तो ये रिस्पॉन्स है। आपके घर पे जो जींद के विधायक है डॉक्टर कृष्ण मिर्जा, वो भी सुना है आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है और वहाँ से अभी तक कुछ नहीं? उन्होंने सिर्फ यही कहा था, क्या नाम है, अब एक एप्लीकेशन लगाओ डीसी के एप्लीकेशन लगा के बाद में फिर मैं कोई रिजल्ट नहीं मिला तो सहायता तो मैं कर दूंगा। हमें सहायता तो अभी चाहिए, बाद में तो मेरे को मिलना ही है। कब से कब लग ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के गेम हो गए? वर्ल्ड चैंपियनशिप है 28-31 इसी मंथ में। कब जाना है? 24 को फ्लाइट है, 24 को जाना है। तो आप क्या कहना चाहोगे जी, किस तरह से क्या आप ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनका सिलेक्शन हुआ है पैसों की कमी की वजह से ये सपना बनकर रह जाएगा, कोशिश जारी है आपकी? कोशिश जारी है जी, सपना तो वह सपना तो कंप्लीट करूँगा इसका भी। तो जैसे कि हम सोशल मीडिया पे भेज रहे हैं, इससे क्या उम्मीद आपको लगती है? उम्मीद है जी कुछ तो वैसा, कल भी कोई मीडिया वाले आए थे, उनका जो भेजा है उनने, कईयों के फोन आ चुके हैं और कुछ मेरे खाते में पैसे आए अपने पास। तो किस तरह से आपने तैयारी करवाई थी, कौन सी एकेडमी में आपका? मैं सनराइज ताइक्वांडो एकेडमी प्रैक्टिस करता हूँ, हमारे कोच नाना वीरेंद्र गुप्ता वैसे हैं जिनसे, मैं स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ अभी फिलहाल। इकलव स्टेडियम में? इन्होंने बताया इकलव स्टेडियम में राहुल प्रैक्टिस करते हैं और इनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ है। नेशनल में पहला इनका नंबर आया था, एक रैंक आई थी, लेकिन गरीबी की वजह से ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने में असमर्थ दिखाई पड़ रहे हैं। यदि देश का की जनता का सहयोग मिला तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जरूर खेल के आएंगे और हमें भी उम्मीद है कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आए
हमारी शुभकामनाएं राहुल के साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये देश प्रदेश के साथ साथ हमारे जींद जिले का भी नाम रोशन करे। आपकी कॉलोनी से इस लड़के का सिलेक्शन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुआ है, तो आप किस तरह से इसकी मदद के लिए क्या कहना चाहोगे? आप देखिए, बड़े गर्व की बात है कॉलोनी के लिए, और कॉलोनी के लिए नहीं बल्कि पूरा जो शहर है जींद जिला, पूरे जींद जिले के लिए गर्व की बात है, और उसके बाद हरियाणा के लिए गर्व की बात है, उसके बाद जो आगे जो पूरे विश्व में जो इसका नाम आया है तो उसमें भी पूरे भारत की बात है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज जो स्थिति है इस परिवार की, ये बिल्कुल पासपोर्ट बनाने की भी स्थिति नहीं थी। हाँ, कुछ लोगों ने साथ के वो पासपोर्ट वगैरह का जो प्रबंध किया है, और आगे जो जो खर्च है इसका 2.5-3 लाख के आसपास का खर्च है, वो खर्च वहन करने की स्थिति पूरे परिवार की, पूरे रिश्तेदारों में नहीं है ऐसा कोई, कोई रिश्तेदार भी इतना मदद कर दे तो ये पहली जिम्मेवारी तो बनती है सरकार की, सरकार करे। और ये इन्होंने मिले भी थे डीसी साहब से, मिले वो डीसी साहब से भी अनुरोध है कि वो इस पर संज्ञान लेकर के, ताकि टाइम बहुत कम है, टाइम कम है, शायद 24 तारीख का है इसका फ्लाइट है इसकी, तो उससे पहले कोई प्रबंध इसका हो। और दूसरा, यहाँ जो हमारे विधायक हैं उनके लिए बड़ी गर्व की बात है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लड़का जो कि इतना नाम कमा रहा है, पूरा शहर का नाम कमा रहा है, विधानसभा का नाम जो चमका रहा है, तो हमारे विधायक की भी मतलब जिम्मेवारी बनती है कि पेन लेकर के इसकी मदद करें। और यहाँ जो अभी नया चुनाव हुआ है यहाँ नगर पालिका नगर परिषद का, उसके चेयरमैन बने हैं डॉक्टर राज सैनी है, उनकी पुत्रवधू, तो उनसे भी अपील है कि जरूर भले इसकी मदद के लिए आगे आएं। और बाकी यहाँ का जो पार्षद है या दूसरे जो साथी हैं और भी शहर के जो जिम्मेवार नागरिक हैं, उन सबसे अपील है कि इस लड़के की मदद के लिए आगे आएं, और अपना जो जिम्मेवारी है एक खेल के प्रति जो खेल प्रेमी है, उनसे भी अनुरोध है कि इसकी मदद के लिए आए। और टाइम नहीं बचा है, कहीं ना कहीं दाएं बाएं भी जा सकते हैं लोग, लेकिन आज इससे आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात अपील दोबारा फिर करना चाहता हूँ कि इसकी मदद जो है वो 2-3 दिन के अंदर हो जाए तो ठीक रहेगा, ना तो अभी इनके भी डाटा टेढ़ा हुआ है, वो पता नहीं पैसे इकट्ठे होंगे ना होंगे, जाया जाएगा ना जाया जाएगा, ये दोबारा बच्चे का सिलेक्शन हुआ है इस बात से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मगर अब बच्चे की थोड़ी सी परेशानी आ रही है, वो परेशानी आपको ही पता है, माहौल आपने देखा होगा क्या परेशानी आ रही है, सिर्फ पैसे के करके हमारा बच्चा रहता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अब तक जो भी हमारे कॉलोनी के आदमी हैं, व्यक्ति हैं, जो भी आसपास के हैं, ये सभी सहयोग कर रहे हैं, मगर हमसे जितना सहयोग हो रहा है हम कर रहे हैं, मगर हमको सरकार से, हमारे भाईचारे से और जितने भी पार्टी हैं या कोई भी और वर्कर हैं, उनसे सबसे यही उम्मीद है कि इस बच्चे को बाहर लेके जाने का, इसको खेलने का एक मौका देना है, और वो मौका सिर्फ हम, आप और सभी मिलके दे सकते हैं। इसके लिए इस भाई को 3 लाख रुपए तक की व्यवस्था है, तो वो सभी भाई मिलके, हमारे कॉलोनी वाले मिलके, फिर जींद वाले मिलके, हरियाणा के सभी व्यक्ति, सभी बाहर के, एक बार इस भाई के लिए कुछ करके दिखाएं। अगर 100-100 रुपये भी दोगे, जब भी इस बच्चे का सहयोग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 जिसके पास 100 है 100 दे दो, जिसके पास 50 है 50 दे दो, हम ये नहीं कहते 50 दो, 10 भी दिए जाएँ तो आप दे सकते हो। इनका नंबर हम फ़ोन के जरिए आपको दे देंगे, इस भाई का जितना भी सहयोग हो मिल बांट के भाई इसका सारा लुवाओ। यो भाई गोल्ड मेडल आपने इनके देख ही लिए होंगे, और सबसे ज़्यादा हम उम्मीद सरकार से रखते हैं, अगर सरकार आगे आती है तो हमें भी प्रसन्नता होगी भी हमारी सरकार बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है। इसके लिए हम सरकार से भी विनती करते हैं इस बच्चे का तरफ ध्यान दिया जाए।